आई एम डॉक्टर जय मदान और अपनी सीरीज लक एंड लाइफस्टाइल में मैं बात करूंगी आपकी लोनलीनेस की। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम बात करते हैं जिंदगी में अकेलेपन की, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल हो और आप अकेलापन फील करें। कई बार शादी में होते हुए भी, रिलेशनशिप में भी होते हुए, यू डोंट फील एज इफ यू हैव समबडी। वो सपोर्ट नहीं होता, वो अफेक्शन नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, वो पैम्परिंग नहीं होती। व्हाई इज इट लैकिंग एंड हाउ डू वी अट्रैक्ट एंड व्हाट आर द टू डिफरेंट सिचुएशंस? सिंगल लोगों को क्या करना चाहिए और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? तो जो लोग सिंगल हैं, कोशिश करें कि अपने घर में हर चीज़ में हर पैर को लेकर आएं। जैसे अगर आप सोते हैं तो अपने साथ में भी पिलो रखें। अगर आप चाय पीते हैं तो कोई भी कप खरीदते हैं, दो खरीदिए। जस्ट थिंक एज यू हैव अ पार्टनर एंड यू कीप ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू पेयर। इसी तरीके से अपने बेडरूम में यू कैन हैव ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ हैप्पी कपल्स लुकिंग एट ईच अदर बिहाइंड यू। अपने सामने नहीं, अपने पीछे। हमारे पीछे जो होता है वो हमको सपोर्ट करता है, हमारे आगे जो होता है वो हमारा गोल होता है। सो लेट इट ब्रिंग इनटू योर पास्ट, लेट इट ब्रिंग इनटू योर सबकॉन्शियस कि ये हमारे पास है, तो इसलिए आपने पीछे की तरफ ऐसी पिक्चर्स लगाइए। पीपल हु आर ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, पैम्परिंग नहीं है, ऐसे लोगों को आपने देखा पहले के टाइम में लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। वेल, पीपल वुड से इट्स वेरी क्लीशे, वाई वुड एनीबडी डू दैट? लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, हाथ का मिलना, खाने का एक दूसरे के साथ मिलना, दीज आर द वेज टू अटैच ईच अदर्स वीनस विथ ईच अदर। ये एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट्स को जोड़ देता है, क्योंकि बॉडीली फ्लूइड्स, आपका खाना एक दूसरे का, हाथ एक दूसरे के साथ, इट जस्ट कनेक्ट्स बोथ ऑफ यू। लेकिन आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर कर यूज़ कर सकते हैं विच ब्रिंग्स क्लोजनेस इन टू योर रिलेशनशिप। जैसे हनी, आप लोग एक दूसरे का झूठे हनी के स्पून से हनी ले सकते हैं। सिमिलरली अनदर बाइंडिंग थिंग और फूड इज केसर, सैफरन। ठीक इसी तरीके से आप लोग इलायची को भी एक दूसरे की यूज़ कर सकते हैं या आधी आधी इलायची खा सकते हैं। दीज आर यू नो वी कॉल दम एफ्रोडिजैक्स विच इम्प्रूव द रिलेशनशिप, विच ब्रिंग्स द स्ट्रेंथ इन द रिलेशनशिप। अदर देन दैट आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। आप जो हम आपने देखा होगा वो वाइट शुगर बॉल्स होते हैं जिसको पताशा बोलते हैं, राइट? आप खूब सारे पताशे ले लीजिए, इसको एक सुंदर से ग्लास या सिल्वर बोल में डाल दीजिए। इस पताशे के अंदर अपनी हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर्स डाल देने से प्लैनेट मून स्ट्रेंथन होता है, मार्स की स्ट्रेंथ मिलती है, रिलेशनशिप में पैशन, हैप्पीनेस, जॉय, प्योरिटी, ये सब कुछ जुड़ता है। सो यू कैन डू दीज लिटिल टिप्स टू ब्रिंग लव, हैप्पीनेस, जॉय इन योर रिलेशनशिप एंड टेक लोनलीनेस अवे। सैड सॉन्ग मत सुनिए, कभी भी सेपरेट सेपरेट गद्दे पे मत सोइए। यू नो द मैट्रेस शुड बी कम्बाइंड। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है सिंगल सिंगल मैट्रेस ही बेड पर एक साथ है, तो उसको एक कवर में कर लीजिए, रैप अप कवर में, ताकि वो सिंगल मैट्रेस का काम करे। सो दिस शुड नॉट बी एनी डिविजन ऑन बेड, दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वन क्विल्ट, वन मैट्रेस एंड वन हैप्पी लाइफ। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल डे एंड अ लविंग लाइफ विथ योर पार्टनर। आई विल सी यू सून।